थोड़ा सा मूड तो डिस्टर्ब है क्योंकि सोफा गया है, मुझे बहुत पसंद था लेकिन कुछ रीजन है इसलिए मैंने उसको सेल आउट किया हुआ है। तो जो कॉलेज वगैरह है ना वो थोड़ी सर्च करने हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग का टाइम यानी सुबह बच्चों का टिफिन, बच्चों की तैयारी और अपने जो भी घर के काम है वो। तो यहाँ पे मैं टिफिन में जॉयसी को दे रही हूँ डोसा और आलू की चटनी। आसिफ जॉयसी स्कूल जा रही है, दोनों के एग्ज़ाम चालू है और एग्ज़ाम के बीच में जो छुट्टी रहती वो आज रेक्स की छुट्टी है, तो सिर्फ जॉयसी का टिफिन यहाँ पर बन रहा है। अभी ठंड का क्लाइमेट है तो जो इडली वाला बैटर है ना वो अच्छे से फर्मेंट नहीं हो पाया, तो मैंने रात में ही सोचा था कि डोसा बना के दूंगी इसको टिफ़िन में, बाकी लंच में इडली वगैरह तो बनी ही जाएगी। तो यहाँ पे जॉयसी का टिफ़िन जो है वो रेडी हो गया है। अब ये तवा ना थोड़ा सा गर्म है, उसी टाइम पे ना मतलब थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में ही मैं इस पर जो हमारा ये इडली वाला बर्तन है ना मतलब जिसमें इडली का बैटर है वो रख दे रही, ताकि थोड़ा सा गर्माहट से ये बैटर जो है अच्छे से फर्मेंट हो जाए, क्योंकि बाहर धूप उतनी नहीं है और होगी भी तो मैं बाहर ये चीज़ें रख नहीं सकती क्योंकि हमारे यहाँ पर है बंदर जो कर देगी सब गड़बड़। तो चलिए, आज वैसे भी ना सुबह से मेरा मूड थोड़ा ख़राब है, वो आपको पता चलेगा आगे ब्लॉग में कि आज मेरा मूड थोड़ा ख़राब क्यों है। तो यहाँ पे मैं लंच की तैयारी भी कर रही हूँ, जैसी चली गई है स्कूल और यहाँ पे मैं लंच बनाने आ गई हूँ। तो यहाँ पे मूंगफली दाना और नारियल डाल के मैं चटनी बनाने वाली हूँ और उसी बीच ये काम शुरू हो गया, जहाँ इसीलिए मेरा मूड जो है थोड़ा ख़राब था क्योंकि 2-3 दिन से पता था कि सोफ़ा जो है वो जाने वाला है, तो सोफ़ा मैंने सेल आउट कर दिया है। उसी की थोड़ी सी क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा मूड तो डिस्टर्ब है क्योंकि सोफ़ा गया है, मुझे बहुत पसंद था लेकिन कुछ रीज़न है इसलिए मैंने उसको सेल आउट किया हुआ है। बाद में कभी बताऊंगी कि मैंने उसको क्यों सेल आउट किया है, नया लेना है इसके लिए नहीं। अभी सोफ़ा चला गया, उस आगे का कमरा जो है ना पूरी तरीके से सेट करना है, क्या करना क्या नहीं वो थोड़ा सा पहले ही सोचा था हमने। तो रेक्स के कमरे का जो बेड है वो हम लोग आगे ला रहे हैं, बेड नहीं रखेंगे उसके कमरे में, उसका बेड इधर आ जाएगा और उसको नीचे गद्दे वगैरह डाल के अच्छा सा सीटिंग वाला एरिया उसको कर देंगे, तो वो अपना कमरे में कम्फर्टेबल वहाँ रहेगा और पढ़ाई वगैरह करेगा। हॉल में हम लोग वो बेड रख रहे हैं और भी कुछ नई चीज़ें वो भी इसमें ऐड करेंगे, पर सोफ़ा नहीं। अभी तो हम फिलहाल सोफ़ा लेने के बिल्कुल भी मतलब मूड में नहीं कि अभी नहीं लेना है हमें सोफ़ा। अब यहाँ पे ये बेड जो है ये खाली हो गया क्योंकि एक साइड में ना पूरे जो दो गद्दे थे, फिर भी अभी और दो गद्दे हैं एक साइड में और उस साइड में दो गद्दे थे, वो मैंने अभी निकाले ताकि वो आगे के बेड पर डाल दूंगी मैं। अब इस पर ना आज जाएगा नया ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब चादर। ये तो ब्लैंकेट ही है, ये भोपाल वाली मेरी जो शॉपिंग थी तब लाई थी, लेकिन भोपाल वाली शॉपिंग जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, बट ये जो ब्लैंकेट है उसी दिन लाया था और ये ओढ़ने के लिए भी सही है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि मुझे ना सेट चाहिए था जो विंटर में ब्लैंकेट का सेट आता है ना जिसमें दो पिलो कवर भी आते हैं, तो जैसे मेरे पास दो थे तो एक अभी खराब हो गया, तो ये मैं लेके आई। मुझे बहुत अच्छा भी पड़ा और इसका क्वालिटी भी है ना वो बहुत सुंदर है, रेट वाइज बहुत ही अच्छा ये जो ब्लैंकेट है ये मुझे मिला है। ये डबल बेड का है और ये मात्र 500 रुपए में मिला है मुझे, यानी एक खराब हो गया था तो विंटर के हिसाब से मैं दो रखती हूँ, तो एक खराब हो गया है और एक ही पे चल रहा था अभी, तो सेकेंड मुझे लेना ही था तो मैं ये लेके आई हूँ। पर इसके साथ में ना पिलो कवर नहीं, इसको ब्लैंकेट जैसा भी यूज कर सकते हैं ना, पर मुझे इसको चादर जैसा ही रखना है बेड पे, तो मैं बाद में वहीं से ये कवर लाई हूँ। इस पे ये पूरा वेलवेट वाला कवर है, इसमें थोड़ा ये अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है इसका कलर, बट मैंने सोचा कि इसके साथ में ये अच्छा जाएगा। मुझे ये डार्क ब्लू में चाहिए था लेकिन बहुत ढूंढने के बाद में नहीं मिला, या ऑरेंज भी मिलता तो भी मैं ले लेती, बट ये मिला मुझे 19-20 चल जाएगा, बट इसका जो फैब्रिक है पूरा वेलवेट वाला है जो मुझे बहुत पसंद आया, तो ये दो मैं लेके आई हूँ। उसी टाइम पे मुझे ना भोपाल वाली शॉपिंग का हॉल बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिला क्योंकि उसी के बाद में 2 दिन बाद में मेरा नासिक जाना हुआ, तो फिर पैकिंग वगैरह, तो इसलिए उसका शॉपिंग वीडियो में नहीं बना पाई, बट अब जैसे जैसे चीज़ें यूज़ करने में निकाल रही मैं वैसे ऐसी बताती जाऊँगी कि मेरे ये भोपाल की शॉपिंग है। तो पहले मेरा इस पर ब्लैक और रेड ही होता था और एक है, तो उसको तो मैंने जो खराब हुआ उसको डिस्कार्ड कर दिया, तो अभी वो वाला बेड है ना उसमें भी बहुत सारा सामान आएगा जो इसमें जाएगा। वो वाला कमरे का
मैं तो भूल गया था ये बैग भी अपने पास ला लो वाली। जो सबसे पहले ली क्या ये बैग? सबसे पहले ली थी नहीं इससे पहले? ये सबसे पहले वाली बैग है ये तो नहीं, इससे पहले भी एक बैग ली थी रे। नहीं ये और वो ब्लू उधर रखी वो साथ की। अच्छा वो टांगने वाली बैग है अलग है, ये वाली ये दोनों अपने साथ बना ये वाली बैग अच्छी वैसे तू देखो देते नहीं इस अच्छे रूम में सबसे छोटी वाली लगी। यहाँ पे ये बड़ा वाला जो बेड है ना इसमें दो स्पंज वाले गद्दे रखे थे और एक राउंड करके रखा हुआ गद्दा है तो इसके कारण है ना इसमें सामान जो है ना बहुत कम बैठ रहा था, लेकिन आज जो है दो गद्दे निकलने के बाद में काफ़ी हद तक सामान इसमें वो गया। अब ब्लैंकेट बेडशीट वो मैं अभी इस पर डाल दे रही हूँ, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। इसका फैब्रिक मेरी पहले वाली जो ब्लैंकेट बेडशीट है ना उससे भी बहुत अच्छा है और इसके कवर भी लकीली बहुत अच्छे मिले। तो चलिए अब मैं ये सब अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो ये यहाँ पे इस तरह से ये जो कवर है ये बिल्कुल इस पे मैच हो गया है। मैं बहुत ढूंढी थी उस दिन कि मुझे कवर वाला ही ये जो गरम चादर है वो मिल जाए, मतलब ब्लैंकेट जैसे। कम से कम विंटर 3 मंथ है ना, तो 3 मंथ के हिसाब से 2 या 3 ऐसी चादरें तो चाहिए। तो चलो मैंने जो पतला वाला ब्लैंकेट आता है ना उसी को कर लिया। और ये देखिए मेरा पिछला वाला जो है जैसे आपने देखा ही होगा ये ऐसे कवर आते हैं उसके साथ में। अब तो ये वॉश करने जाएंगे, ये मैंने चेंज किया। तो ऐसा कवर वाला सेट चाहिए था मुझे पर नहीं मिला, कोई बात नहीं। फिर वही मैंने अभी उस पर एडजस्ट कर लिया है। ऐसे ये दो कवर हैं अलग अलग टाइप की आती है, वो मुझे तो नहीं मिली अभी वैसी वाली और मुझे वो पसंद भी नहीं आती और मैंने ढूंढी भी नहीं, मुझे यही पसंद आते हैं। ये मटेरियल बहुत अच्छे सॉफ्ट और है ना बहुत गर्म लगते, ठंड में है ना कॉटन की बेडशीट जो वो सब चेंज होता रहता। अब गर्मी आएगी तो ये अंदर चले जाएंगे विंटर वाले और गर्मी के टाइम पे फिर कॉटन वाले बाहर आ जाएंगे। हम लोगों को ना बहुत डाउट था ये जो बेड खोलने वाला जो टूल आता है ना, ये काफी सालों से मतलब जब से हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं ना तो बेड तो खोलने की जरूरत पड़ती ही नहीं, तो ये कहाँ मिलेगा ये डाउट था। आखिर मुझे थोड़ा सा अंदाजा था ही कि ये कहाँ मिलेगा, तो चलो मिल गया ये। तो अब बेड खोलेंगे, बहुत सालों के बाद में हम लोग ये बेड खोल रहे हैं इसलिए डाउट था। और यही एक से ही वो पूरा बेड खोला जाएगा, ये देख मिल गया। तो पहले तिरछा कर लो थोड़ा सा, हाँ तिरछा करके एक साइड पूरी जाने देते, नट तो ढीला नहीं। सुनो ना सुनो ना, वैसे नहीं तो? हाँ अब गुड्डू थोड़ा सा वो नट ढीला होगा क्या तुम्हारे साइड वाला? अपना वाला लगा लो ना साइड से। नहीं ये तो ढीला, ये पापा के साइड वाले जो है ना मैंने ज्यादा लगा दिया शायद। नहीं ना ये निकल गया ना यहाँ से, तभी हो गया। रुको रुको रुको, वहां से नट ढीला करना ही पड़ेगा नहीं तो नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा ये। वहाँ क्या टाइटी कर दो अच्छा नट लग गया। हाँ, इनकी नट सिर्फ यही एक नट नहीं लगा था ना शायद। पर हमने सोचा चलो एक बार जाके अपन शॉप से तो देख ले, मॉल में भी देख के अभी हम लोग 2500 का मिलेगा वहाँ कहीं पे भी, ये नहीं होलसेलर है। फिर हमने क्या किया वही से बैठ के सर्च किया कि कहाँ मिल सकते हैं। ये देखना मटेरियल ग्रे देखे या ब्लैक देखे, तुम तो जैसी ब्लैक ही बोली है सभी का सेम। कंप्लीट करके दोगे क्या? हाँ वो तो 10 मिनट में हो जाता है। नहीं यार ये घर जाके अपन भर सकते हैं ना, अपन गाड़ी में अभी रख नहीं पाएंगे ना, ऐसे ही डायरेक्ट ले ले है ना। इसका डैमेज का कुछ मतलब डैमेज तो इसमें नहीं होता, 6 महीने की इसमें वारंटी आती है, मतलब वारंटी या सिलाई निकलती है जब में कोई प्रॉब्लम आती है। अच्छा सपोज कुछ ये हो गया तो उस पे उसको रफू हो जाएगा। हाँ, के पास, के पास। हाँ, वो भी तब होता है जैसे आप कोई नुकीली चीज। भाभी घर पे नहीं हूँ ना मैं आज, हाँ बाहर हूँ, कल मिल जाऊंगी। हाँ तो हम लोग ना दोपहर से आए हुए हैं, बच्चों के स्कूल का कुछ काम है तो अभी उसमें करीबन 2 से 3 घंटा हमको लगने वाला है। फिर कहाँ जाएंगे, इधर आजू बाजू में मतलब शॉप वगैरह भी नहीं है कि कुछ या कुछ होटल वगैरह के खाने वगैरह चले जाए। बस हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए हुए हैं और
अभी बस चाय पीने जाएंगे थोड़ी देर में, फिर भी हमको यहाँ पे बैठे बैठे ना 2 घंटा हो गया। प्रमोद ने थोड़ी देर ना मोबाइल पे जो मूवी डाउनलोड की थी ना वो देखी, अब वो देख रहे हैं मैच। अभी तक जो भी हमारा काम है, मतलब बच्चों के स्कूल का जो भी काम है, वो होने में शायद 1-1.5 घंटा और लगेगा, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और जॉयसी है आज घर पे अकेली, मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि वो अकेली रहती है, या फिर ऐसा रहता है कि 5-10 मिनट में रेक्स आ जाता है या फिर हम लोग भी थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं। अकेले मतलब स्कूल से आ गई है वो 4 बजे और वो अकेली है अभी, फिर कोचिंग भी आज उसकी नहीं है और नेक्स्ट डे उसका पेपर भी था, तो ऐसा भी नहीं, और आज भी पेपर था, नहीं तो हमने सोचा था उसको भी लेके आएंगे क्योंकि अकेली घर पे बोर भी हो जाएगी, तो वो आएगी हमारे साथ में तो अच्छा रहेगा। लेकिन आज उसका एग्ज़ाम भी था और आप भी आई एग्ज़ाम देखिए तो पढ़ाई भी कर रही होगी और कल भी एग्ज़ाम है, तो इस चक्कर में ना हम लोग उसको लेके नहीं आए। तो बस मैं, प्रमोद और रेक्स आए हुए हैं, फिर थोड़ा मार्केट भी जाके आए थे क्योंकि टाइम था हमारे पास में, तो थोड़ा सा मार्केट यहाँ से दूर है मार्केट, तो वहाँ पे भी जाके जो हमको लेना था वो भी लेके आ गए। लेकिन अभी 2-3 घंटे का हमारा जो ये टाइम पास है ये नहीं हो रहा है। 2 घंटे के बाद मैं वहाँ से उठी हूँ, अभी ना इधर आगे थोड़ा सा चाय पीने के लिए हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे शायद ब्लैक टी मिलेगा, तो हमने सोचा चलो बहुत देर हो गई है, प्रमोद को वैसे भी इस टाइम पे ब्लैक टी पीने की आदत है, तो यहाँ पे है अभी एक दुकान, तो वहाँ जाते हैं ब्लैक टी पीते हैं। तो मैं आपको एक बार है ना, दिख रहा होगा बैक साइड में मेरे पीछे ये कॉलेज है, इस कॉलेज में हम लोग अभी आए हुए हैं और यहाँ है ना दूर दूर तक कहीं पे भी कोई दुकान नहीं है कि चाय नाश्ता या कुछ ले, बहुत आगे है, बहुत चल के जाना पड़ेगा। ये है शाम का नज़ारा, आगे एक छोटी सी दुकान है, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए, 5:30 हो रहा है। हम लोग है ना ये कॉलेज का पूरा राउंड लगा रहे हैं, चाय पी के तो आ गए पर हमको ना कॉलेज भी देखना है कि कैसा है, हॉस्टल्स वगैरह है क्या यहाँ पे, ऐसे ही एक नॉलेज के लिए हम लोग थोड़ा सा कॉलेज वगैरह भी सर्च कर रहे हैं कि आगे अच्छा रहेगा रेक्स के लिए या जॉयसी के लिए, फिलहाल तो रेक्स के लिए, तो देखते हैं कि हॉस्टल है क्या, कैसा है क्या है, अभी तो मुझे कुछ भी पता नहीं। और ये देखो ये पूरा ऐसा है, ये ना बिल्कुल आउटसाइड वाला कॉलेज है, पर अच्छा लगा मुझे काफ़ी हद तक ये। अभी आगे जाती हूँ, देखती हूँ उधर बैक साइड में अगर हॉस्टल है। हमारा मेन पर्पस ना यहाँ पे आने का ऐसा यही है कि थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ के एक दो जो कॉलेज वगैरह है ना वो थोड़ी सर्च करने हैं कैसे करके, तो हम रेक्स के लिए आगे सोच सकते हैं, इसलिए है हॉस्टल तो दिख रहा है वहाँ पे आगे है, तो वही देखते हैं अभी। ये देखो वहाँ पे हॉस्टल भी दिख रहा है और साइड में ना बच्चे भी खेल रहे, काफ़ी बड़ा मतलब ये कॉलेज का कैंपस जो है वो दिख रहा है। हॉस्टल है या टीचर्स लोगों के क्वार्टर्स है वो कुछ एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन दिख रहे देखिए वहाँ पे वो पिंकिश कलर के हॉस्टल ही है शायद, ये हॉस्टल्स वगैरह तो है यहाँ पे। और ये साइड वाला साइड से ऐसा है, अच्छा वो एकदम लेटा हुआ नहीं होगा, ये सीट वाला हो गया, ठीक है ना, अच्छा है ना, तो कम कर दे, अरे देख कहाँ रखेंगे यार भाई, देंदे आप ठीक है ना, डाल दे, डाल दे पूरा डाल दिया, अभी थोड़ा चेयर टाइप, अभी तो बैठ बैठ के हो ही जाता है, नहीं बैठ बैठ के नहीं, मेरे ख्याल से वो शायद फिर वो वैसा है, एक बैग डाल के, एक बैग वाला हां तो ठीक है ना, ये भी हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा, नहीं हुआ तो थोड़ा कम कर दूंगी मैं, हां सही है ना, जाकर रख दो इसको सीधे उधर मेरे कमरे में, अंदर जा अंदर बैठ अंदर। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यही पेंट करती हूँ, आज का ब्लॉग आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पे नए होंगे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकॉन बटन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगा। फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।